नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने तमाम आरोपों को शेर शायरी करते हुए नकारा और कहा कि आपका प्रदर्शन कमजोर होता है विपक्ष का और आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग का रवैया क्या रहा पूरे देश में पूरे चुनाव के दौरान, यह बताने की जरूरत नहीं थी? या तो कोई आत्मग्लानी हुई हुई या एक थोड़ी सी शर्म समझो उन्होंने बात की। लेकिन एक बात समझ में नहीं कि जब जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने जब गृह मंत्रालय मंत्री पे आरोप लगाए कि उन्होंने 150 डीएम से बात की, तो इसका जवाब गृह मंत्रालय मांग सकता था, भारतीय जनता पार्टी मांग सकती थी। लेकिन जयराम रमेश को नोटिस देकर चुनाव आयोग ने पूछा कि आप उन 150 कलेक्टर के नाम दो, ये बड़ा हास्यास्पद रहा। चुनाव आयोग का इसमें कोई लोकस स्टैंड ही नहीं बनता, लेकिन फिर चुनाव आयोग है तो रोकेगा कौन? कल जो एग्जिट पोल आए उसमें खासकर उत्तर प्रदेश, जहां से चाबी कहते हैं कि सिंहासन की चाबी उत्तर प्रदेश से है, तो उन्होंने जो सारी चीजें एग्जिट पोल में हमने देखी, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटों में से 62 से 72 सीटों पर एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में जीत सकती है, ऐसे पोल कहते हैं। इंडिया गठबंधन को, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में है, उन्हें 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन कांग्रेस ने भी कल 295 पूरा इंडिया गठबंधन रहेगा ये घोषणा की। हर राज्य से अपने अपने दल, हमारी स्थिति क्या होगी और जो एग्जिट पोल है उसको नकारते हुए अपना कागज दिया। समाजवादी पार्टी ने भी एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने अपना आकलन 80 सीटों पे दिया है। पहले चरण में जो सीटें थी उसमें सहारनपुर में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कैराना में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मुजफ्फरनगर में कांटे की टक्कर है, बिजनौर में कांटे की टक्कर है, नगीना में एनडीए गठबंधन जीत रहा है, रामपुर में इंडिया गठबंधन जीत रहा है और पीलीभीत में कांटे की टक्कर है। द्वितीय चरण में अमरोहा में कांटे की टक्कर, मेरठ में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बागपत में नजदीक की लड़ाई है, गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन हार रहा है, मतलब एनडीए जीत रहा है, गौतम बुद्ध नगर में टाइट फाइट है, बुलंदशहर में टाइट फाइट है, अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन की जीत है और मथुरा में एनडीए की जीत है। तृतीय चरण में संभल इंडिया गठबंधन जीत रहा है, हाथरस टाइट फाइट है, आगरा इंडिया गठबंधन हार रहा है, मतलब एनडीए जीत रहा है, फतेहपुर सीकरी नजदीक की लड़ाई है, टाइट पोजीशन है, फिरोजाबाद इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मैनपुरी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एटा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बदायूं इंडिया गठबंधन जीत रहा है, आंवला इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बरेली में नजदीक की लड़ाई है। चतुर्थ चरण में, फोर्थ फेज में, शाहजहांपुर में टाइट फाइट है, खीरी नजदीक की लड़ाई है, यहाँ पे भी टाइट फाइट है, धरोरा इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, लड़ाई में इंडिया गठबंधन है जीत रहा है, सीतापुर में टाइट फाइट है, हरदोई में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मिश्रिख में टाइट फाइट है, उन्नाव में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, फरुखाबाद में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इटावा में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कन्नौज में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कानपुर में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, अकबरपुर में बहुत ही नजदीक की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है, बहराइच में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब पांचवें चरण की तरफ जाते हैं। पांचवें चरण में मोहनलालगंज है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लखनऊ में टाइट फाइट है, लेकिन मुझे लगता है ये एनडीए को सीट जानी चाहिए, रायबरेली इंडिया गठबंधन जीत रहा है, अमेठी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जालौन बहुत टाइट फाइट है, झांसी टाइट फाइट है, हमीरपुर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बांदा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, फतेहपुर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कौशाम्बी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बाराबंकी इंडिया गठबंधन जीत रहा है,
फैजाबाद इंडिया गठबंधन जीत रहा है, केसरगंज टाइट फाइट है, गोंडा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, सुल्तानपुर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, प्रतापगढ़ इंडिया गठबंधन जीत रहा है, फूलपुर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, आम्बेडकर नगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, श्रीवस्ती इंडिया गठबंधन जीत रहा है, डुमरियागंज इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बस्ती इंडिया गठबंधन जीत रहा है, संत कबीर नगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, आजमगढ़ इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जौनपुर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मछलीशहर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, भदोही इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके मायने छठे चरण में जो सीटें थी उसमें सारा का सारा इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का जो एग्जिट पोल है वो है। तो कुल मिलाकर इनकी जो सीटें बताई जा रही है, ये इंडिया गठबंधन करीब करीब मुझे लगता है 30 से 35 सीटें पे है, और क्या एनडीए गठबंधन 50-55 पे आएगा। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा सीटें तो सर्वे बता रहा है समाजवादी पार्टी का। कल सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता पड़ जाएगा कौन किसने कितना दम मारा है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार जो चुनाव हुए, चुनाव में जनता का पक्ष क्या रहा, ये न्यूज लॉन्चर लगातार आपको बताता रहा है। आज जब हम एक्सरे के मशीन से ये दावे देखते हैं समाजवादी पार्टी के या इंडिया गठबंधन के, इन्हीं दावे के भरोसे ऐसे ही बाकी राजनीतिक दलों के जो इनपुट हैं उसको देखते ही खड़गे साहब ने 295 का आंकड़ा दिया है। एक चुनावी मशीन में क्या होता है क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। कल 10 दोपहर को 10-12 बजे तक बहुत सारा ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात है, चुनाव के पहले दो फेज में जो वोट प्रतिशत चुनाव आयोग के वेबसाइट पे लगातार बढ़ा, उसको लेके चिंता का विषय है। वो क्यों बढ़ा, क्या बढ़ा, ये चुनाव आयोग स्पष्ट करेगा 7 तारीख को जब सर्वोच्च न्यायालय में वो रिप्लाई फाइल करेगा। लेकिन कुछ जगह पे बड़ी हास्यास्पद थी, पूना में जहाँ पे वोट परसेंटेज चुनाव के 5:01 आया, उसके बाद थोड़ा बढ़ के आया रात को 7, फिर रात को 12 बढ़ के आया, लेकिन सरप्राइजिंगली दूसरे दिन 12 भी फिर बढ़ा, फिर दूसरे दिन शाम को फिर बढ़ा, तीसरे दिन फिर बढ़ा। तो ये लगातार बढ़ोतरी किस हिसाब से हो रही थी, कौन से ऐसे आंकड़े थे कि जो आपके पास पूरा था नहीं तो फिर आपने रिलीज क्यों किया, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। इन सारी बातों को देखते हुए देखना ये है कि अब ये दावे कितने पक्के होते हैं, क्योंकि जो भीड़ उमड़ रही थी संसाधनों के बगैर, कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्थिति इंडिया गठबंधन की अच्छी है, कम से कम जनता साथ दे रही है, स्वयंभू आ रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लिए भीड़ जुटाई जा रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उनके अंदरूनी झगड़े थे, योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली वर्सेस लखनऊ, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह जी, राजपूतों का अलग एक द्रोह था, ब्राह्मण नाराज था, कई फैक्टर्स थे, लोग बेरोजगारी, पेपर लीक, खासकर एग्जाम पोस्टपोन होना, इस बातों को लेके लोग तरुण युवा बड़ा उद्वेलित लग रहा था। दूसरी जो राम मंदिर का लोकार्पण हुआ या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो होने के बाद भी वो जितना राम के एटीएम से मतदान उगलना था वो कहीं उगलता हुआ नहीं आया। लेकिन क्या एक बहुत बड़ा महिला वर्ग बीजेपी के साथ लाभार्थी होने की वजह से साथ गया, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। क्या लाभार्थी ने बचाया, क्या महिलाओं ने बचाया, क्या कहीं ना कहीं योगी की एक इमेज की गुंडागर्दी समाप्त करने वाले नेता के रूप में, क्या वो सुरक्षा का एक विषय था जो महिलाओं ने एंड ब्लॉक मतदान किया। क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने ये फर्क जरूर देखा कि महिलाओं का जो आधी आबादी है देश की, वो एक अलग तरीके से मतदान करती है, वो अलग तरीके से सोचती है, अपनी चीजों को प्रायोरिटी देखती है। तो फिर कुछ महिलाओं ने महंगाई भी देखी होगी, कुछ महिलाओं ने बच्चों को बिना रोजगार का घर पे देखा होगा, ये भी बातें हैं। किसान की नाराजगी अलग है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी क्षेत्र में जाट मतदाता बीजेपी से छिटक गया या नहीं, ये भी इस चुनावी नतीजों में सामने दिखाई देगा। कुल मिलाकर चुनाव संपन्न हुए, 80 दिनों का ये चुनाव का बस आखिरी पड़ाव बचा है, वह है मतगणना। हम सुबह
6 बजे से हम सब आप लोगों के बीच में होंगे, एक बड़े पैनल होंगे, अलग अलग राज्यों के एक्सपर्ट्स होंगे और हम लगातार रात को 10 बजे तक विश्लेषित करेंगे कि चुनाव के नतीजों के मायने क्या है, क्या ये नतीजे से आने चाहिए थे। और जब सारा डाटा वेबसाइट पे लोड हो जाएगा फिर माइक्रो लेवल पे हम एनालिसिस करेंगे कि जिन जिन लोकसभा क्षेत्र में 5% से ज्यादा मत बढ़ा है चुनाव आयोग के वेबसाइट से, यानी जिस दिन हुआ और उसके बाद फाइनल आंकड़ों में जहां 5+ की बढ़ोतरी है वहां नतीजे क्या है, इससे भी एक पता पड़ जाएगा कि इसका फायदा किसको हुआ। लंबा चुनाव था हमारे यहाँ, 4 महीने का चुनाव 1952 में हुआ, उसके बाद 80 दिनों का सबसे बड़ा चुनाव था, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, ये 7 फेज के बजाय 4 फेज भी निपट सकता था। सबको पता था कि नवतपा आ रहा है, सबको पता था कि गर्मी गिरी होने वाली है भयानक, ये सारी होती हुए भी आखिरी चरण तक इतना लंबा खींचा। हो सकता है सत्ता पक्ष को इसकी सुविधा हो, लेकिन मुझे आज दया आती है, मुझे बुरा भी लगता है और मुझे क्रोध भी आता है कि चुनाव ड्यूटी पे कई लोग जो थे उनकी मृत्यु हुई, उष्माघात से मृत्यु हुई। छोटे कर्मचारी होंगे लेकिन हर इंसान के जान की कीमत हम नहीं लगा सकते, हर इंसान इंसान होता है और इंसान सब सभी एक सरीके एक सामान्य रूप से हम सबको एक मानते हैं। देखते हैं कल सुबह क्या होता है, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।